सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं इस वीडियो में आप जानेंगे और कट ऑफ कितनी जाएगी सब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कल ही 11 अगस्त को आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। अब इसमें दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, नवोदय विद्यालय की तरफ से सिलेक्शन के लिए क्या उन्होंने कहा है, किस तरीके से वो सिलेक्शन करते हैं और नंबर कितने आपके आने चाहिए, सेक्शन वाइज जो इसमें खंड होते हैं खंड वाइज कितने नंबर आपको चाहिए होते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब दोस्तों, मैं सीधे पहले सबसे पहले आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल साइट पर आप देख सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति चयन परीक्षा 2021 के लिए विवरणिका यानी नोटिफिकेशन कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ये है। अब इसमें सबसे पहले मैं नीचे इसमें नीचे आप आएंगे तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी चाहिए, जो कि आपके सभी लोगों के लिए जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए महत्वपूर्ण इसमें जो जानकारी है वो दे रखी है। जो परीक्षा की संरचना है क्या है, परीक्षा की संरचना मानसिक योग्यता जो पहला खंड है, अंकगणित परीक्षा दूसरा खंड है, भाषा परीक्षा दूसरा तीसरा खंड है। इसमें प्रश्न है पहले खंड में 40, दूसरे में 20, तीसरे में 20। अंक कितने मिलते हैं, पहले खंड में 50, दूसरे में 25, तीसरे में 25। इस तरह आपके जो है 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 नंबर ये हो जाते हैं। इसके लिए टोटल 2 घंटे मिलते हैं, पहले खंड के लिए 60 मिनट, दूसरे और तीसरे के लिए जो है 30-30 मिनट। अब इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है आपको जो इसमें पढ़नी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिशा निर्देश तथा उदाहरण। तो इसमें क्या जो है दिशा निर्देशों में जो क्या जो महत्वपूर्ण जानकारी है, तीनों प्रकार के खंडों में से प्रत्येक में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह प्रत्येक खंड के प्रश्न पर सुझाए गए समय से अधिक समय न लगाएँ, यद्यपि वे परीक्षा की कुल अवधि को अपनी इच्छानुसार समायोजित कर सकते हैं, लेकिन तीनों खंडों में आपको अलग अलग पास होना जरूरी है। यानी कि आपके जो तीन खंड हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और उसके बाद भाषा परीक्षण, तो तीनों में आपको पास होना जरूरी है। तीनों में कितने कितने क्वेश्चन हैं ये आपने देखा ही होगा, पहले में 40 है, दूसरे में 20 है, तीसरे में 20 है। अब पहले खंड में, दूसरे खंड में, तीसरे खंड में आपको कितने कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए होंगे और बाकी मेरिट के लिए कितने नंबर आपको चाहिए होंगे, अब इस वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूँ। तो किस तरीके से आपको जो सारी जानकारी है वो किस तरीके से आपका होता है, क्या होता है, कैसे सिलेक्शन का जो इस तरह के जो खंड वाइज कितने नंबर आपको सिलेक्शन के लिए लेने होते हैं, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले ये आपको देखना ज़रूरी है। जो आपका परीक्षा होता है मानसिक योग्यता परीक्षण खंड 1, इसमें 1 से 40 के जो प्रश्न होते हैं 50 नंबर के, इसमें आपको कम से कम पास होने के लिए जो है 16 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। 16 प्रश्न अगर आप नहीं करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण में तो आप जो है फेल हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये आप जो है अपने जो आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें आपने मिला लेना है। जो कल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमने आपको आंसर की भी बताई है, सही जो उत्तर हैं उनको भी बताया है, तो वहाँ से आप मिला सकते हैं कि आपने क्या क्या उत्तर दिए हैं और सही उत्तर क्या थे। अब जो है अंकगणित परीक्षण जो भाग जो खंड 2 है, इसमें जो है आपको कम से कम पास होने के लिए 20 प्रश्नों में से 8 प्रश्न जो है करने जरूरी थे और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। इसमें ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए अगर आपने कोई उत्तर गलत भी दिया होगा तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपने जो है दूसरे खंड में 8 प्रश्न कम से कम 20 में से करने थे, तो ये आपने मिला लेना है कि आपने 8 किए हैं या नहीं किए हैं। भाषा परीक्षण जो तीसरा खंड है, इसमें भी 20 प्रश्न आपको पूछे गए थे, इसमें से भी आपको जो है कम से कम 8 प्रश्न करने अनिवार्य हैं केवल पास होने के लिए। अगर आप पास होंगे तो तभी जाके, अगर इसमें एक और चीज़ भी मेंशन में आपको कर दूं कि अगर आप पहले खंड में 16 के बदले 15 प्रश्न करते हैं तो आपकी जो है वहीं पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे आप उसके बाद आपने यहाँ के 16 प्रश्न दिए हों या फिर यहाँ आपने
जो है मानसिक योग्यता में जो है 40 के 40 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और अंकगणित परीक्षण में आपने केवल 7 प्रश्नों के उत्तर दिए, और भाषा परीक्षण में आपने 20 के 20 दे दिए, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रत्येक खंड में पास होना अनिवार्य है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले खंड में 16 प्रश्न, दूसरे खंड में 8 प्रश्न, और तीसरे खंड में 8 प्रश्न करने जरूरी थे। इसके लिए आपको 20, 10, 10 इस तरह से अंक मिलते, और 40 अंक टोटल इस तरह से क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं आपके होंगे। लेकिन आपको इसमें, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है, कि आपको इसमें जो है प्रत्येक खंड में पास होना ज़रूरी है, और किस तरीके से आपकी जो है जो आपकी बुकलेट है वो चेक की जाएगी। अगर आपके जैसे 40 प्रश्न आपने पहले खंड में उत्तर दे दिए, तो आपके सीधे सीधे 50 नंबर बन जाते हैं, तो आपको लगेगा कि हमने तो भाई क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर ले आए हैं। लेकिन अगर आप अंकगणित परीक्षण में या फिर भाषा परीक्षण में अगर आप 8 प्रश्न से कम जो है उत्तर देते हैं किसी एक खंड में, और दूसरे खंड में 20 दे देते हैं, तब आपका जो है कट ऑफ से तो ऊपर चला जाएगा नंबर। 50 आपने ऊपर दे दिए, नीचे से आपको 1.25 में मिल गए, दूसरे में आपको जो है 8 नंबर मिल गए, तो आपको लगेगा कि भाई 80 नंबर या 85 नंबर हमारे आ गए हैं, तो हम पास हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा जिसने कि इसमें जो है किसी एक खंड में 8-8 प्रश्न या 16 प्रश्न में से कम जो है उत्तर दिए हों। तो आपको ये भी मिला लेना है कि आपने प्रत्येक खंड में जो है कम से कम इतने प्रश्नों का उत्तर दिया हो। अब इसमें दूसरी जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है नवोदय विद्यालय सिलेक्शन में, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग इसमें कट ऑफ या मेरिट या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किसी और डिस्ट्रिक्ट में अलग प्रोसेस होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक जो है केंद्र, एक जो है नवोदय विद्यालय है, तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो है कितने बच्चे लेते हैं उसको जो है ये डिवाइड कर देंगे, कितने बच्चों में जिन्होंने जो है एग्ज़ाम दिया है उसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो उससे हम सीधे सीधे इसका निकाल सकते हैं कि लगभग एक सीट पे कितना जो है कंपटीशन है। अब ये इस तरीके का हम कंपटीशन निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये उस तरीके से जो है सिलेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, रिजर्वेशन है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, उसके बाद लड़कियों के लिए है, SC ST OBC के लिए है, इस तरह से रिजर्वेशन होता है, और रिजर्वेशन के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होता है। अब जो है आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो कट ऑफ ये आप इस तरीके से लगा सकते हैं, इस साल की जो अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, पिछले साल इससे कम थी, इस साल थोड़ा अंक बढ़ा के हम दे रहे हैं, क्योंकि इस साल दोस्तों सीटें भी बढ़ी हैं, बहुत सारी सीटें बढ़ी हैं। लेकिन दोस्तों इस साल जो है उम्मीदवार जो हैं वो भी बहुत सारे बढ़े हैं, अगर इस साल सीटें बढ़ी हैं तो जो है परीक्षा देने वाले भी बढ़े हैं, तो इसलिए दोस्तों जो है कट ऑफ थोड़ी बढ़ाई हुई है। एवरेज जो कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए पास होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए, तो जनरल जो कैटेगरी है उनको जो है 75 से 80 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन आप मान सकते हैं कि हो सकता है। इसी तरह OBC के लिए 70 से 75 नंबर जो है सिलेक्शन के लिए एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ ये 70 से 75 है। SC के लिए जो है 66 से 70 जो है कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड है। ST कैटेगरी के लिए 60 से 66 जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आपने क्या करना है, अपनी क्वेश्चन बुकलेट लेनी है, उसमें हमारी जो वीडियो कल का वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से अपने उत्तर जो है मिला लेने हैं, और आप जो है नंबर अपने निकाल लेंगे कि कितने नंबर आपको जो है मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप एक्सपेक्टेड जो ये कट ऑफ हमने दी है इसको मिला लेंगे कि इतने नंबर आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी जो है निकाल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सभी उम्मीदवार जो कि सिलेक्शन होगा या नहीं ये जानना चाहते हैं एग्ज़ाम के बाद, उनको मैं बता दूं कि अगर आपने 80 में से 60 से ऊपर जो है प्रश्न अगर सही किए हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो कुछ इसी तरीके से जो है फेल हो जाते हैं, अयोग्य घोषित हो जाते हैं, कि उनका जो है उन्होंने पहले खंड में जो है हो सकता है कि बहुत सारे जो है प्रश्नों के जवाब दिए हों, लेकिन दूसरे खंड में वो हो सकता है कि उनके जो है 8 जवाब सही न हों, 7 ही सही हों, तो वो वैसे ही अयोग्य हो जाते हैं, जबकि उनके नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन खंड वाइज जो है क्योंकि पास होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो इस तरीके से वो जो है डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने प्रत्येक खंड में पासिंग मार्क्स जो हैं आप लाए हैं और उससे अधिक जो है आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपको फिर आपका जो सिलेक्शन है वो
उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिलेक्शन के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार कर लेने हैं और क्या क्या वहाँ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जिनको कि आपको बना लेना है। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।